बहुत बढ़िया कितने टेस्टिंग कर लोगे आज टीबी के? आज तो जितने आएंगे फिर टीम आई सबका कर लो जितने भी पेशेंट आ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम लोग टीबी सैंपलिंग कर रहे हैं कुछ मोबाइल लैब टेस्ट मशीन के प्रोजेक्ट अफेक्टेड लैंड लूजर टॉप प्रायोरिटी पे, गरीब तबका AAY BPL टॉप प्रायोरिटी पे, बैकवर्ड एरिया टॉप प्रायोरिटी पे। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है और आप लोग इसको बुरी बात के लिए बाकी आपका आशीर्वाद है। तो अब इसको आप अच्छे से कराइए और जैसा कि मैंने बोला नेशनल प्रोजेक्ट है तो इट इज अबव एनी पर्टिकुलर ग्रुप, तो हम सबकी मदद करें और एक अच्छे रास्ते पे ट्रांसपेरेंट तरीके से सब लोगों को लेकर अगर आप बोलोगे हम शॉर्ट टर्म आई टी आई कोर्स कर रहे हैं केपेबल ऑफ डूइंग द वर्क एट दैट मुझे लगता है 15-20 गाइडलाइंस एंड मिनट्स निकले हुए मुझे पता नहीं कॉपी मिली कि नहीं आप लोगों को, उसमें बोला हुआ है कि जो गरीब गरीब तबके को प्रायोरिटी मिले, बैकवर्ड एरियाज को प्रायोरिटी मिले और सबसे पहले प्रोजेक्ट अफेक्टेड और लैंड यूजर लगे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई ट्रांसपेरेंसी हो सकता है। अब आप इसको सक्सेस बनाइए, जो अलग अलग लोग इधर जो गुटों में फट गए उनकी लड़ाइयों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है, किसी लोकल पॉलिटिक्स या किसी लोकल इशू के चलते ये नहीं रुक सकता, सरकार के लिए स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट अफेक्टेड लैंड लूजर टॉप प्रायोरिटी पे, गरीब तबका AAY BPL टॉप प्रायोरिटी पे, बैकवर्ड एरिया टॉप प्रायोरिटी पे। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है और आप लोग इसको आप ऊपर वाले ने ब्लास्ट शुरू कर दिए कल से एक साइड से बंद हो गए थे करवा रहे हैं कर अभी उसकी एक्सरसाइज चल रही है इस जगह, जो पहली जो लोकेशन मिली थी मुझे लगता है PWD की उसमें रिपोर्ट आई है जो कि नॉट फीजेबल बता रहा है, तो हम लोग अपना बेस्ट पॉसिबल साइट ढूंढेंगे, मुझे लगता है कोई ना कोई जमीन जरूर मिल जाएगी क्योंकि पैसा एलोकेटेड है उसको ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। और आज जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है वो है कि आगे से जो हमने पिछले 3 महीने से रटले में न्यू हायरिंग पर रोक लगाई थी, आगे से जो रटले में हायरिंग होगी वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से होगी जिसमें कि 47 पोस्टों का पहली बार नोटिस निकला है आज। इसमें एप्लीकेशन जमा करने की लास्ट तारीख है 20 जून और 20 जून के बाद 25 जून को इसका इंटरव्यू होगा। इसमें जो हमने अभी रिसेंटली एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग पास किया था उसमें इस चीज़ को पाया गया था कि क्योंकि अभी रटले के प्रोजेक्ट अभी स्टेजेस में है तो काफ़ी और हायरिंग की ज़रूरत होगी, तो उसमें कैसे एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम को लाया जाए, उस ट्रांसपेरेंट सिस्टम के अंदर रटले नोटिफिकेशन निकालेगा उसके बाद जॉब इंटरव्यू लेगा और लोगों को काम देगा। इससे मुझे लगता है जो हमारे प्रोजेक्ट अफेक्टेड लैंड यूजर और जो द्रपशाला के पुअरेस्ट पॉपुलेशन है उनको पहले प्रायोरिटी में रखा जाएगा और इससे मुझे लगता है लोकल यूथ का एक इशू रहता है कि हम लोगों को काम नहीं मिलता, हम लोग जेन्युइन लैंड यूजर्स हैं या फिर जेन्युइनली द्रपशाला में रहते हैं और उसके बाद भी हमें नौकरी नहीं मिलती, वो कई हद तक आ सकता था एड्रेस होगा। और साथ साथ जो